हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिगेंड इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी के बारे में। किसके रेफरेंस में? इंटरफेरेंस विद हीमोग्लोबिन इन O2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखो, जैसा मैंने अपनी हर वीडियो के अंदर बताया, आधा काम कौन कर देता है? इसका नाम ही कर देता है। तो लिगेंड इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी, लिगेंड सभी को पता है क्या होता है, इंड्यूस्ड यानी कि उसके अंदर, और टॉक्सिसिटी मतलब उसकी कुछ वहाँ पर उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो लिगेंड इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी मतलब किसी लिगेंड की वजह से कोई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी तो वो क्या कहलाता है? लिगेंड इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी। और किसके बिहाफ पे पढ़नी है हमने? इंटरफेरेंस विद हीमोग्लोबिन इन O2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हीमोग्लोबिन की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप उसको वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में पूरा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, वहाँ पर आपको पूरा कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, इंटरफेरेंस विद हीमोग्लोबिन इन O2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, इन इट वी स्टडी अबाउट दैट व्हेन वी चेंज कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड सो दैट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ बॉडी वी विल स्टडी इन इट। देखो, इसमें यही बोल रहा है कि इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि अगर हम किसी चीज़ की, किसी लिगेंड की पोजीशन को या उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो उस बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है, हियर एज वी नो दैट हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम प्लस ग्लोबिन, वेयर हीम इज़ अ प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड ग्लोबिन इज अ प्रोटीनियस पार्ट। यहाँ पर हमें पता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बनता है, जहाँ पर हीम जो होता है वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और जो ग्लोबिन होता है वो एक प्रोटीनियस पार्ट होता है। ये सारे चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट हम इसको किसके बिहाव पे पढ़े, लिगेंड इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी, मीन्स हम इसके अंदर कोई लिगेंड इंड्यूस्ड करेंगे उसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा बहुत उसके बारे में भी हम इसमें बताएंगे, क्योंकि हमें अब तो एग्ज़ाम में राइट करना है, आंसर को फ्रेम करना है अकॉर्डिंग टू 8 या 10 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स ए पोरफायरिन रिंग, हीमोग्लोबिन के एक पोरफायरिन रिंग कंटेन करता है एंड द मेटल एटम प्रेजेंट इन इट, और जो मेटल एक उसके अंदर मेटल एटम प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो एक पोरफायरिन रिंग होती है उसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, वो आयरन होता है। आयरन जो होता है, इट इज़ कोऑर्डिनेटेड टू छह साइड से कोऑर्डिनेटेड होता है, 4 विद द नाइट्रोजन ऑफ पायरोल रिंग, 4 तो नाइट्रोजन होते हैं पायरोल रिंग के, ठीक है, एंड 5th पोजिशन ऑक्यूपाइड बाई ग्लोबिन प्रोटीन, या फिर हम बोल सकते हैं इमिडाजोल रिंग ऑफ हिस्टिडीन रेजिड्यू, और 6th पोजिशन पे क्या होता है, O2 मोलिक्यूल होता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इतनी बात हमें पहले भी पता थी। ये अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये हमारे क्या होगा, एक पोरफायरिन रिंग होगी, पोरफायरिन रिंग के अंदर हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो आयरन होता है, जो 6 साइड से कोऑर्डिनेटेड होता है, 4 तो पायरोल रिंग के नाइट्रोजन होते हैं, 5th पोजीशन पे हमारे पास क्या होता है, एक ग्लोबिन चेन होती है, और 6th पोजीशन पे हमारे पास क्या होता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वहाँ पर अटैच होता है। अगर 6th पोजीशन पे O2 मॉलिक्यूल अटैच है तो ये हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हियर द ग्लोबिन प्रोटीन हैविंग एबिलिटी टू बाइंड 4 हीम ग्रुप एट ए टाइम। यहाँ पर जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है ना, इस ग्लोबिन प्रोटीन की एक प्रॉपर्टी होती है, एक एबिलिटी होती है कि ये बाइंड कर सकता है 4 हीम ग्रुप के साथ एक सिंगल टाइम के ऊपर। ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर एबिलिटी होती है कि वो बाइंड कर सकता है 4 हीम ग्रुप के साथ एक ही पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। हेयर ओनली O2 ऑक्यूपाइड 6 साइट बिकॉज इट इज़ अ रिएक्टिव साइट। यहाँ पर O2 जो होता है वो 6th साइट पे, ऊपर वाली साइट पे इसीलिए बाइंड होता है क्योंकि वो रिएक्टिव साइट होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज ए टेट्रामरिक फॉर्म होता है ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ 4 हीम ग्रुप। नाउ एट सिक्स साइट अगर हम 6th साइट के ऊपर H2O प्लेस कर दें ऑक्सीजन की जगह पे, सो इट इज़ कॉल्ड हाई स्पिन होगा, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2Z4Ez2 बनेगी। इन दिस केस आयरन 2+ एटम डज नॉट फिट इन टू द कैविटी ऑफ पोरफायरिन रिंग। जब हम 6th पोजीशन पे वाटर मॉलिक्यूल अटैच कर देते हैं तो जो आयरन हमारा जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है वो उस पोरफायरिन रिंग की कैविटी के अंदर फिट नहीं होता, ठीक है।
अगर सिक्स्थ साइट पे ओटो मॉलिक्यूल है तो इट बिकम्स लो स्पिन, वो लो स्पिन बन जाता है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी यहाँ पर, T2G6EG0। इस केस के अंदर जो आयरन एटम्स होता है, जो +2 एटम, वो श्रिंक हो जाता है और उस पोरफायरिन रिंग की कैविटी के अंदर फिट हो जाता है। डिऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो वो कलर शो करता है। ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ऑन द प्लेस ऑफ O2 लाइक CO, CN, NO, द ऑक्सीजन कैरिंग प्रॉपर्टी ऑफ हीमोग्लोबिन इज डिक्रीजेज एंड टॉक्सिसिटी अपीयर्स। देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हम पढ़ रहे हैं लिगेंड इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी। तो हमने पहले उसके बारे में थोड़ा बताया कि किसी लिगेंड के इंड्यूस्ड होने से जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम लिगेंड इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी पढ़ते हैं। किसके बिहाफ पे पढ़ रहे हैं हम, हीमोग्लोबिन के अंदर जो O2 की बाइंडिंग होती है उसके बिहाफ पे हम इसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन के बारे में बताया, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, और अब हम क्या करते हैं, बाइंडिंग साइट की बात करते हैं। कि अगर हमारा, देखो अगर हम सिक्स्थ साइट पे जो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, अगर उस स्ट्रॉन्ग वहाँ पर हम कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच कर दें ऑक्सीजन की जगह के ऊपर, जैसे कि CO हो गया, साइनाइड हो गया, NO हो गया, तो जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी उसकी, डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज होगी तो क्या होगी वहाँ से, टॉक्सिसिटी अपीयर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी उसकी टॉक्सिसिटी, जैसे यहाँ पर CO ने, कार्बन मोनोऑक्साइड ने हीमोग्लोबिन के साथ जब अटैच होती तो वो HbCO बनाता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि क्या बनती है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पॉइजनिंग होती है, वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करती है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। CO गैस हो गई, सोयल फंजाई या फिर ऑक्सीडेटिव एक्शन कराते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो ये भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी। जो लेफ्ट CO बचती है वो दोबारा से हीमोग्लोबिन के साथ मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, तो उससे CO पॉइजनिंग हो जाएगी। तो ये क्या है इसके, कि लिगेंड इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटीज़ हैं ये, ठीक है। इन अ हैवी स्मोकर, जो हैवी स्मोकर होते हैं, 5 से 15% हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर। ये उसकी रिएक्शन है कि HbCO की रिएक्शन जब हम O2 के साथ करवाते हैं तो HbO2+CO, यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सब क्या था हमारा, लिगेंड इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी के बारे में था। यहाँ पर O2 और CO आर टाइप, O2 एंड CO आर टाइप लिगेंड एंड विच इज एंड व्हेन दिस लिगेंड्स रिप्लेस इन ईच अदर सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बिकम डिस्टर्ब। यहाँ पर ऑक्सीजन और CO, ये दोनों को अगर हम चेंज कर देते हैं, अगर ऑक्सीजन की जगह हमने CO को यूज़ कर लिया, तो ये क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड एज लिगेंड इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी। दैट्स वाई हम इनको क्या बोल देते हैं, लिगेंड इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी। तो इसका क्वेश्चन अगर आता है तो बेसिकली 8 मार्क्स के अंदर ही पूछा जाता है, तो इसका जो मेन पोर्शन है वो यहाँ पर इतने सेक में ही आ जाता है कि किस तरीके से हम उसकी सिक्स साइट के ऊपर ऑक्सीजन की जगह अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा देते हैं तो वो उसकी जो ऑक्सीजन को कैरी करने की प्रॉपर्टी है उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। उसके डिक्रीज करने से वहाँ पर क्या होती है, टॉक्सिसिटी अपीयर होती है। सो दिस इज़ ऑल ऑल अबाउट लिगेंड इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी। देखो ये टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे हम बहुत सारा लिख सकते हैं, बट अगर हम अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी पैटर्न के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसमें 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, तो 8 मार्क्स के अंदर इतनी चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पर सफिशियंट होती हैं, वरना लिखने को तो हम इसमें और भी बहुत सा कुछ लिख सकते हैं, बट 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।